स्वागत है आपका विनर्स एकेडमी प्रयागराज में। मैं समीर शुक्ला और बहुत आज इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारा है जो 7 नंबर का होता है, सेंट्रल आइडिया। कई बच्चों ने कॉल किया, मैसेज किया, कमेंट किया कि सर हम कौन सा सेंट्रल आइडिया तैयार करें जो एकदम कंफर्म हो, निश्चित हो, 100% श्योर हो कि वही एग्जाम में आए। और मैं आपको अपने 14 साल, लगभग 13 से 14 साल हो रहा है मैं पढ़ा रहा हूं, और मैं अपने पूरे एक्सपीरियंस के साथ बता सकता हूं कि 3 से 4 लेसन अगर आप तैयार कर लेते हैं तो आपका उसी एक में सेंट्रल आइडिया जरूर आएगा, कंफर्म है। आज का ये वीडियो आप इतने मिनट कर सके, आप सेव भी कर सकते हैं। आपके एग्जाम होने के बाद आप मुझे वो वीडियो भी दीजिएगा कि जो मैंने कहा है वो ऐसा है या नहीं है। पूरे कॉन्फिडेंस से कहता हूं कि 7 नंबर आपको नहीं जाए, आपसे दूर नहीं जाने दूंगा, श्योर है 7 नंबर आएगा। तो वो 3 या 4, ज्यादा से ज्यादा 4, नहीं तो 3 तो कंफर्म मैं आपको बता देता हूं कि कौन सा सेंट्रल आइडिया आपके एग्जाम में आने वाला है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है आपको, बस ज्यादा से ज्यादा 3 से 4 मिनट में आपका लूंगा क्योंकि अभी सारे हम लोग के सिलेबस पूरे हो चुके हैं। वैसे तो मैंने नॉर्मली आपको सारी चीजें बताई हैं, सारी बातें, सारे लेसन्स क्लियर किए हैं, उसकी हिंदी बताई है, उसका शॉर्टली और एकदम इंप्रेसिव और अट्रैक्टिव चीजें मैंने सेंट्रल आइडिया लिखाते समय बताई आपको कि कैसे आपको लिखना है। वीडियो डिस्क्रिप्शन में भी है और वहां पर आप प्लेलिस्ट में भी जाकर देख सकते हैं। तो देखिए, मैं आपको पूरे अनुभव के साथ, पूरे अपने 100% एक्सपीरियंस के साथ पहला नंबर लिखने जा रहा हूं जो आपको ध्यान देना है। पहला सबसे चैप्टर जो आपको तैयार करना है वो है आपका कैरेक्टर ऑफ हैप्पी लाइफ, कैरेक्टर ऑफ हैप्पी लाइफ। ये पहला आपका चैप्टर है और ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। मैंने ऑलरेडी इसके बारे में बताया भी है आपको, इसके बारे में लिखाया भी है, सब कुछ है। तो आप छोटा सा लिखाया भी है, आराम से इसका एक अपना सेंट्रल आइडिया तैयार करिए। और ये एक ऐसा लेसन है कि इसका सेंट्रल आइडिया, वैसे कहना तो नहीं है, आप अच्छे से मेहनत करें लेकिन मेरी बात को आप अदरवाइज न लें, तो इसकी सेंट्रल आइडिया आपके इस लेसन से कोई भी एक्सप्लेनेशन आता है, नहीं आ रहा है, आपको पूरी तरह से छोड़ने के मूड में है, तो आप इसी लेसन से अगर एक्सप्लेनेशन मांगा गया है तो इसी लेसन की सेंट्रल आइडिया आप एक्सप्लेनेशन में लिख सकते हैं, क्योंकि ये पूरा लेसन ही एक तरह से एक इंसान कैसे खुश हो सकता है उसके बारे में है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं। जो दूसरा हमारा सबसे इंपॉर्टेंट लेसन है वो है ऑन हिज ब्लाइंडनेस। ऑन हिज ब्लाइंडनेस आपको, आपने पढ़ा होगा, ये जॉन मिल्टन से रिलेटेड है। तो ऑन हिज ब्लाइंडनेस ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, मैं आपको बता रहा हूं कि केवल ये 2 भी तैयार कर लेंगे ना तब भी कंफर्म बात कह रहा हूं। अब ये बात एक अलग है कि आपकी किस्मत बड़ी खराब हो तो एक मैं बिल्कुल नहीं वो कर सकता, लेकिन हाँ 100% नहीं तो 90% मेरा दावा है, मेरा कंफर्मेशन है, मेरा एक्सपीरियंस कहता है यही दोनों में से एक आ सकता है, इन दोनों में से एक आ सकता है। तो ये ध्यान देना है आपको। ऑन हिज ब्लाइंडनेस के बारे में तो ऑलरेडी आपको पता है, अच्छा एक लेसन है। और अगले दिन मैं आपको, कल मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन सा स्टैंजा, केवल 4 से 5 स्टैंजा बताऊंगा जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है और आपको उसको तैयार करना है। उसके बाद नंबर 3 है हमारा ए लैमेंट, ए लैमेंट, ए लैमेंट। या अगर ये नहीं याद हो रहा है तो आप माई हेवन याद कर सकते हैं, दोनों में से। एलिमेंट तो खैर छोटा सा 8 लाइन की पूरी पोयम ही है, तो इसमें इतना ज्यादा है ही नहीं कि आपको वो न याद हो, लेकिन हाँ आप माई हेवन को भी प्रेफरेंस दे सकते हैं। ये दोनों तो कंफर्म आप कर ही लीजिए, उसके अलावा इन दोनों में से एक आप तैयार कर लीजिए, क्योंकि आपके सामने आएंगे 3 में से लिखना होगा एक, ठीक है, 3 या 4 जहां तक है उसमें से एक ही लिखना है, तो ऑप्शन आपके सामने है। और एक जो 4th नंबर है इसको आप ऑप्शन में रख सकते हैं, वो है द सॉन्ग ऑफ द फ्री, द सॉन्ग ऑफ द फ्री। ये भी लेसन आप याद, इसको भी आप थोड़ा सा सोच सकते हैं, इसके बारे में लिख सकते हैं और इसके बारे में आपको ऑलरेडी पता भी है। तो मैं सबसे इंपॉर्टेंट बात करूंगा, ये 1 नंबर पे रख रहा हूं, 2 नंबर पे ये, 3 नंबर पे ये, और फिर इसके बाद ये 4th नंबर पे। तो ये सेंट्रल आइडिया अगर आप याद कर सकते हैं, तैयार कर सकते हैं, कर लीजिए। ये वीडियो के आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप इस वीडियो की एक वीडियो क्लिप बना लीजिए और एग्जाम होने के बाद आप यही मुझे कहते हुए पाएंगे और आप देखिएगा, श्योर है आएगा, ये मेरा आपसे वादा है, क्योंकि तो इससे ज्यादा हो ही नहीं सकता है, ही इतना इसमें से आना ही आना है। फिर आज के लिए मैं इतने भी रोक रहा हूं, कल मैं आपके सामने स्टैंजा भी लेके आऊंगा कि कौन से वो स्टैंजा है जो आपको 10 नंबर दिला सकते हैं। तो 10 नंबर और 17 नंबर बहुत होता है, बहुत ज्यादा होता है 17 नंबर। किसी एक बच्चे को पास
होने के लिए 17 नंबर ही चाहिए होता है और आप सोचिए केवल आपकी पोएट्री आपको 17 नंबर दिला सकती है। तो पूरा वीडियो आपने देखा, थैंक यू, और अपने दोस्तों को शेयर कर दो, बता दो उनको कि ये चीजें हैं। और मैं पूरे दावे से फिर कहता हूं, आएगा ही नहीं इसे, आएगा तो यही होगा, यही चाहे जो हो जाए। फिर चलिए भाई, कल मैं आपके सामने एक स्टैंजा लेके आऊंगा जो बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर आज के लिए इतना करते हैं, प्लीज शेयर कर देना, अपने दोस्तों को जरूर शेयर कर देना, और प्लीज थैंक यू फॉर वॉचिंग।